हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय हैं, अभी राजभवन में आए हुए सपन। सर, एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस को लेकर क्या है, कई लोग नाराजगी जता रहे हैं? देखिए, मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जिस तरह से मोदी जी का अधिनायकवाद चल रहा है और उस तरह से जो हमारा पुराना बिहार के धरती का मिट्टी का जो एक सुगंध था वो सब इकट्ठा हो गए हैं, और इसलिए ये एक बड़ा पूरे देशव्यापी इसका असर हुआ है और होगा, तो इसलिए मैं इसे मानता हूँ कि 2024 के दिन का ये जो है एक 24 की ओर दो कदम बढ़े हैं हम, उसकी शुरुआत। 24 में क्या राहुल गांधी चेहरा रहेंगे, नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे? देखिए, ये चौराहे पे डिसाइड नहीं होगा। सवाल ये है कि पहले व्यापक एकजुटता जो राहुल गांधी करना चाहते हैं उसमें सफलता मिले और हर कोई उसका पार्ट बन जाए, यही हमारी पहला उद्देश्य। बिहार में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिली है मंत्री की, इसको लेकर कल भी नाराजगी सदाकत आश्रम में देखी गई। सिर्फ 2 मंत्री बने हैं, कल सदाकत आश्रम में काफी बवाल हुआ था। हिस्सा कहाँ, अब जितना है उसी में गठबंधन के सभी लोगों का समावेश होना है, इसलिए वो एक वाजिब है, लोगों के मन में रहता है, लेकिन उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। चलिए, हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इन्होंने 7 रुपये कहा है कि जो शुरुआत हुई है वो बिहार से हुई है, 2024 के लिए एक मुकम्मल शुरुआत हुई है। कैमरा मैन के साथ अमिताभ ऊर्जा, पटना न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।